बॉयल किया हुआ गोश्त है, अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड कर लिया, अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए आप एक कढ़ाई लो और उसमें तेल डालो। तेल हीट होने दो, अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें चॉप थोड़ा सा ब्राउन होने तक फ्राई करें। 3 से 4 ग्रीन चिल्ली चॉप किया हुआ, दो चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच इलायची पाउडर। अब इनको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। रेड चिल्ली पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच टर्मरिक पाउडर, हाफ कप पानी। मिक्स कर लीजिए अच्छे से। 1 से 2 मिनट के लिए ढक दीजिए, कवर कर दो। 1 से 2 मिनट के बाद जो हमने गोश्त पीस कर रखा था उसे ऐड कर दो। अच्छे से मिक्स करो। गैस के फ्लेम लो रखो और इसे 5 से 6 मिनट तक ढक के रख दो। नमक ऐड करेंगे आधा चम्मच। मिक्स कर लेना अच्छे से। आप इस तरह से गार्निश कर सकते हैं, नींबू डाल के पतला पतला स्लाइसेस करके, वो आपकी मर्जी है। You say no.